सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो हमने बोट एंड स्ट्रीम्स कल शुरू कर दिया, उसकी थ्योरी देख ली, एक सवाल भी किया था हमने, और जो क्वेश्चन सॉल्विंग की बेसिक अप्रोचेस होती हैं कि हम किसी भी चैप्टर में, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू TSD, किसी भी कौन के चैप्टर में, VARC, LRDI में क्या अप्रोचेज हैं और हम कहाँ फंसते हैं, उसको एनालाइज कैसे करें, उससे एक बहुत क्रूशल चीज़ मैंने बताई थी आपको, होपफुली हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो तीन से चार सवाल करवाने हैं आपको, जिसमें एक सवाल रहेगा IFT का। कैट वाला मैंने करवाया था आपको, जो 2017 में पूछा था, एक IFT का लेंगे, स्नैप का, और एक दो CMAT के सवाल भी हैं, तो इजी, मॉडरेट और कॉम्प्लेक्स लेवल ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है आज। ये रहा पहला सवाल आज का। मैं आप वीडियो पॉज करके इसको सीरियसली ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्मेट देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट कैट की तरह है, जो कैट 2017 में था बिल्कुल उसी तरह है, कि इंसान टू एंड फ्रू मूव कर रहा है, स्पीड बढ़ाने पर टाइम थोड़ा कम हो जाता है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, इन डिफरेंट वर्ड्स रिपीट हुआ है। तो अगर आपने कल का वीडियो ठीक से देखा है तो आप पॉज करिए, 100% आपसे सवाल बन जाएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए बाकी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पैसेंजर है वो ऋषिकेश टू हरिद्वार जाता है और फिर वापस आता है, और दोनों सिटीज रिवर गंगा के बैंक पर हैं, और कुंभ मेले के टाइम पे टू अर्न मोर मनी, तो ओनर डिसाइड्स की ट्रिप ज़्यादा करी जाए, तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी अपनी, कितनी, बाय 50%। तो ज़्यादा ट्रिप्स हो पाए, अर्निंग बढ़ पाए, तो कुंभ के टाइम पे स्पीड 50% बढ़ा दिए बोट की। ठीक है, एंड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ही वॉज एबल टू कट डाउन द ट्रैवल टाइम बाय हाउ मच, 60%। कौन सा टाइम? टोटल टाइम, ऋषिकेश टू हरिद्वार एंड बैक, 60% बाय 60% कम हो गया। अब हमें क्या चाहिए? मोटर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर अपॉन रिवर की स्पीड का रेशियो। अब रिवर की स्पीड तो चेंज होती नहीं है, बस आप मोटर बोट की स्पीड को बढ़ाया कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सिंपल सवाल, बिल्कुल वही प्रोसेस, आप मोटर बोट की स्पीड को एक्स मान लो और रिवर की स्पीड को वाई मान लो। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों सिटीज के बीच में डी मान लो, फर्स्ट केस में डी अपॉन एक्स प्लस वाई, जाते वक्त डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं, आते वक्त अपस्ट्रीम, यू कैन चेंज दी ऑर्डर, से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर्स बदल सकते हैं आप। तो एक डायरेक्शन में अपने को डाउन स्ट्रीम मानना है, एक में अपस्ट्रीम मानना है, ये टाइम निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम ही यहाँ पर रिलेशन में आएगा, वही कम हुआ है। तो डिस्टेंस डी मान लिया, जाने का और आने का कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और टोटल टाइम ये मान लेते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या बनेगी? अब देखिए, एक्स कितना हो चुका है, 50% ज़्यादा हो चुका है, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स या 3/2। ठीक है, तो d अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3x/2 प्लस y, रिवर की स्पीड सेम रहनी है, और d अपॉन 3x/2 माइनस y, टोटल टाइम कितना हो चुका है, बाय 60%, 60% से कम हुआ है तो 40% बचेगा, 40% मतलब 0.40 खत्म। ठीक है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस और आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, डी और टी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, यहाँ पे आराम से आंसर आएगा। एक छोटा सा काम करें फ्रेंड्स, सिंपल सा काम, हम एक काम करते हैं, इस ऊपर वाली इक्वेशन को भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ राइट साइड में 0.40 हो जाएगा, दोनों के LHS बराबर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो 0.4 यहाँ पे कॉमन बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1/x + y प्लस 1/x - y, और इधर का भी बराबर करिए, d अपॉन 3x/2 प्लस y प्लस d अपॉन 3x/2 माइनस y, सिंपल सी बात। ठीक है, ये भी dd होगा, पर d सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट कैंसिल होंगे, सारे कैंसिल कर दो, क्लियर है बात? ठीक, अच्छा, 0.4 कितना होता है, 4/10 मतलब 2/5, तो फ्रैक्शंस में डील करो, डेसिमल हटाई दो एक तरह से, 2/5। ठीक है, चलो थोड़ा सॉल्व कर लो, आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखिए, 2/5 ये रहा, यहाँ सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 2x और नीचे आ जाएगा x² - y², सिंपल है ये, और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करने अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट अस डू वन थिंग, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाला 0.2 हट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यह काम करता हूँ, लेट अस डू वन थिंग कि 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर अपना आ जाएगा, ऊपर भी एक 2 आ गया और नीचे तो वैसा का वैसा रहेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो ये 3x + 2y बन जाएगा, ये 3x - 2y बन जाएगा, तो 3x² - 2y² ये तो नीचे का हिसाब बन गया, ऊपर क्या बन जाएगा, 3x + 3x मतलब 6x बचेगा बस,
एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, बाहर इनटू टू मत भूलना। आप चाहो तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, पर अगर वो मेंटली कर लो तो ज़्यादा सही रहता है, स्टेप थोड़े बच जाते हैं हमारे। ये हमने कर लिया, टू से टू कैंसिल कर दिया और एक टू से ये थ्री हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस चीज़ को ऊपर ले आओ, 9x³ माइनस कितना आ जाएगा, दिस इज 4x। अरे x भी तो कैंसिल हो रहा है, x को भी कैंसिल करो, उसे क्यों कैरी करना, x भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9x² माइनस 4y² और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पहले से यहाँ पे 3 है, तो 15x² माइनस 15y², एक तरफ x² ले आओ तो 6x² आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, हैव आई डन इट राइट, हाँ 6x² आ गया और यहाँ पे 11y², क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो x² अपॉन y² कितना आ जाएगा, 11/6, क्लियर। हमें आंसर चाहिए x अपॉन y, तो √11/6 हमारा आंसर आ जाएगा, केस खत्म, सिंपल। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ सही लग रहा है बिल्कुल, हाँ सही, √11/6 ऑप्शन था यहाँ पे, जिसमें से वन ऑफ द ऑप्शन वॉज √11/6, वो आंसर आ गया था। अगेन देखिए बिल्कुल सेम अप्रोच और सिंपल, बस थोड़े बेसिक कैलकुलेशन। अब आप बोलोगे सर लेंदी, लेंदी क्या है, एलसीएम में तो लेना है, उसमें भी एक चीज़ प्लस में एक चीज़ माइनस में, अच्छे खासे कैंसिलेशन हो रहे हैं, आंसर आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर होगी बात। चलो तो ये तो IFT और CAT की बात होगी, CAT का सवाल कल किए थे, IFT वाला आज कर लिया। थोड़ा स्नैप में देख लेते हैं, ये स्नैप 2009 में आया था, काफ़ी पहले, बट बेहद सिंपल सवाल था यहाँ पे। तो अब बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक, और अगर अपस्ट्रीम जाएंगे सेम डिस्टेंस तो 6 घंटे लगते हैं। आपको बोट की स्पीड निकालनी है, बोट की स्पीड x मान लो, स्ट्रीम की स्पीड y मान लो, ठीक। तो चलिए देखिए, अब यहाँ देखिएगा, वॉट इज द डाउन स्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस 30, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 2 कर दिया, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई इसके बराबर। अप स्ट्रीम की स्पीड तो एक्स माइनस वाई होती है, किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 30 रहेगा, टाइम कितना है अपस्ट्रीम का, ये अपस्ट्रीम टाइम है 6, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 15 आ गया, एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 5 आ गया। आपको बोट की स्पीड चाहिए, ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, बस खत्म। एंड द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, बस बढ़िया हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है, ठीक है। दो सवाल और करते हैं, अब ये सीमैट का है, सीमैट 2019, और एक सवाल है सीमैट 2018 का, तो उसमें इस एग्जाम में भी काफ़ी रेगुलरली देखे जाते हैं इस चैप्टर के सवाल। बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 3 times टाइम लगता है एज कंपेयर टू सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, तो पहले तो स्ट्रीम की स्पीड आप एक्स मान लो, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर हमें टाइम के हिसाब से अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें 3 गुना टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। हमें पता है कि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है, इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब भाई डिस्टेंस तो सेम है पूरी कहानी में, तो अगर टाइम 3 गुना है तो स्पीड 1/3 हो जाएगी, ठीक है, तो स्पीड 1/3 हो जाएगी। तो बेसिकली 5 + x, ये स्पीड है हमारी डाउनस्ट्रीम की, और 5 - x स्पीड किसकी है, अपस्ट्रीम की, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपस्ट्रीम का टाइम 3 गुना है तो उसकी स्पीड 1/3 हो जाएगी, उल्टा रेशियो चलता है, क्लियर है ना। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, क्लियर है बात। तो चलो 3 times मतलब कितना हो जाएगा, टाइम 3 times है तो स्पीड 1/3 हो जाएगी। तो देखिए ये रही अपस्ट्रीम की स्पीड, ये डाउनस्ट्रीम से 1/3 है, अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से 1/3 हो जाएगी, बस खत्म कहानी, सॉल्व कर लो। 5 + x 3 को उधर ले जाओ, 15 - 3x हो जाएगा, तो 4x 10 के बराबर आ गया, तो x कितना आ जाएगा, 2.5 एंड द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, खत्म आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर। आपको बेसिकली फंडा समझ में आना चाहिए कि 5 + x है और 5 - x है, यहाँ पर भी 3 गुना का रिलेशन रहेगा। अब बड़ी वैल्यू तो ये है, तो इसका 3 times करोगे तब इसके बराबर आएगा, आप ऐसे भी कर सकते, या फिर 3 times का 1/3 होगा तो आपने ये फंडा, दोनों बातों में काम सेम हो रहा है। आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर का फैक्टर लिया ही नहीं, भाई अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम दिया हुआ है तो डिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं हमको यहाँ पे, तो इससे 20 किलोमीटर इज नॉट, अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर नहीं भी दिया होता तो स्टिल द सेम डिस्टेंस लॉजिक इज सफिशियंट टू फाइंड द आंसर, आराम से हो गया। ये सवाल और कर लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है।
CMAT 2018 का सवाल बोटन स्ट्रीम्स। तो देख रहे हो फ्रेंड, सिंपल से चैप्टर चल रहा है, आपके कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है, वही एक कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, बस इफेक्टिव स्पीड का फंडा रहता है, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, बस अप्लाई करते रहो आराम से आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, जब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो 8 घंटे लगते हैं। ठीक, पहले तो काम करते हैं, एक्स और वाई मान लो, एक्स स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड वाई इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन क्या बन गई, 24 अपॉन अपस्ट्रीम माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, प्लस 72 अपॉन डाउनस्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप जानते हैं, टोटल टाइम निकाल के आप 8 के बराबर कर दो, बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे केस में क्या है, 48 अपस्ट्रीम जा रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, और 108 किलोमीटर जा रहे हैं डाउनस्ट्रीम, तो 108 अपॉन कितना आ गया, एक्स प्लस वाई, दिस टाइम इज 14 आवर्स। ठीक फ्रेंड्स, अब एक काम करें, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको मान लेते हैं अल्फा, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मान ले, मतलब माइनस वाले को अल्फा मान लेते हैं, प्लस वाले को बीटा मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। अब क्वेश्चन का काम तो पूरा कर दिया आपने, बस सॉल्विंग जल्दी से करके काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, 8 से कैंसिल भी करो, यहाँ पे 8 से कैंसिल करो, तो 3 अल्फा और ये तो 9 आ जाएगा, 9 बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 24 अल्फा प्लस 54 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 7 आ गया। एक सिंपल काम करें फ्रेंड्स, सिंपल काम, इस इक्वेशन में इंटू 7 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 21 अल्फा प्लस 63 बीटा इज इक्वल टू 7, दोनों का राइट हैंड साइड 7 हो गया, तो आप यहाँ पे दोनों को बराबर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका होता है सॉल्व करने का, इससे काम काफ़ी सिंपल हो, बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, पर ये तरीका मुझे सही लगता है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, अल्फा बीटा का रेशियो आ जाएगा, उससे फिर यहाँ पर रख के आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, तो 9 बीटा ये हो गया और ये 3 अल्फा, तो मतलब अल्फा कितना हो गया, 3 बीटा के बराबर, अल्फा 3 बीटा के बराबर हो गया, यहाँ पे रख दो आप अल्फा को 3 बीटा, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, तो 9 बीटा प्लस 9 बीटा 18 बीटा 1 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1/18 आ गई, बहुत सिंपल, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई, बस रख दो यहाँ, तो इससे करने पर एक्स प्लस वाई हमारा 18 आ गया, जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर, और x माइनस वाई 6 के बराबर आ गए। कई बार हम लोग सोचते हैं सर 1 अपॉन समथिंग को कोई नया वेरिएबल रखने पर चीज़ें और कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, नहीं, वैल्यू भी कंफर्टेबल है आपकी 1 अपॉन के फॉर्म में, तो डायरेक्टली बराबर हो जाएगा डिनोमीटर सारे, डिनोमीटर को डायरेक्टली बराबर कर दिया आपने, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस करके अपॉन 2 करो तो 12 आ जाएगी, और y की वैल्यू 6 आ गई, खत्म। ये और किलोमीटर पर आवर यूनिट रहेगी, दिस इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दिस इज स्ट्रीम का। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन, सभी में ऑप्शंस थे, इस वाले जो भी मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए कल और आज, ऑप्शंस था उसमें 12 और 6 आप ऑप्शन में मार्क कर देना, वो पता नहीं ABC जो भी रहा होगा उसको मार्क कर दीजिएगा, क्लियर बात। तो ये था फ्रेंड्स बोट एंड स्ट्रीम्स का टॉपिक, कई लोगों को आप में से डाउट थी, अब आपने बोट्स एंड स्ट्रीम, अब आपने देख लिया फ्रेंड्स, मैंने एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग का भी अप्रोच बताया आपको, ठीक है, कि कैसे करना है, वो 4 स्टेप पिछले वीडियो में, दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी करा दिए, इजी वाले भी कराए, मिडिल वाले भी, और जो कैट एफ टी वगैरह में थे वो वाले भी करा दिए, तो आई थिंक अब कहानी क्लियर होगी होगी आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बस फ्रेंड सिंपल काम करो, क्या है पता है ना आपको, सवाल अंडरस्टैंड कर लो, अजम्पशन ठीक से ले लो, इक्वेशन बना दो, लेंदी बन रही शॉर्ट बन रही उससे टेंशन मत लो, बहुत ठीक से बना लो और सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो आई थिंक अब जो मार्क्स वगैरह में, जो एक्चुअल कैट में क्वेश्चन आएंगे, बाकी ओमेट वगैरह में आप आराम से कर लो। ठीक है फ्रेंड, तो अगर थोड़ा इन क्लासेस से इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग इंप्रूव हो रही है और सवाल बनना शुरू हो गए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस करिएगा, ताकि हम उसको सॉल्व कर पाएं और डिस्कस कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, बोट एंड स्ट्रीम्स, TSD के और भी टॉपिक्स बचे, आई ट्राई टू कवर देम, कल एक नए टॉपिक की बारी होगी विच विल अगेन बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी वीडियो खत्म करते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे, लाइक कर देना वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऐड करिएगा, थैंक यू। Have a nice day.